नमस्कार, मैजिक किचन में आपका स्वागत है। आज मैं गोंद पतीरा की 6 रेसिपी लेकर आई हूँ पूरे हफ्ते के लिए। और ये है गोंद। गोंद चमकीले आकार का होता है और ये सर्दियों में खाया जाता है। इसे तलकर लड्डू बनाए जाते हैं या पंजीरी भी बनाई जाती है। और ये है गोंद पतीरा। इसमें चमक थोड़ी कम होती है, इसे हम भिगो के इस्तेमाल करते हैं। गोंद पतीरा की तासीर ठंडी होती है। गोंद पतीरा से बॉडी हाइड्रेट होती है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं तो गोंद पतीरा मिलाकर भिगोकर अवश्य खाएं। यह आपके कमज़ोर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, यह आपके पेट को ठंडा रखता है और इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। तो इसमें से हम गोंद पतीरा में से सिर्फ एक छोटी सी डली लेंगे और इसे 100 ml पानी डालकर, 100 ml नॉर्मल पानी डालेंगे। नॉर्मल पानी डालकर ओवरनाइट के लिए इसे ढक के रख देंगे। देखिए ये इतना सारा फूल के जितना पानी है पूरा फूल जाएगा। और ये मैंने 1.5 चम्मच चिया सीड्स लिए हैं, कच्चे चिया सीड्स लिए हैं। और इनको चिया सीड्स में भी प्रोटीन बहुत होती है और इससे हमें वजन घटाने में भी सहायता मिलती है। इससे हमारा पेट भरा भरा रहता है। और इसमें हम 100 ml पानी डालेंगे और पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कंटिन्यूस मिक्स करते रहेंगे, बहुत जल्दी ये पूरी जेली में कन्वर्ट हो जाता है। अगर छोड़ देंगे तो इसमें एकदम से नीचे नीचे गाढ़ा हो जाएगा और ऊपर पतला पतला रह जाएगा, इसलिए 2-3 मिनट के लिए कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। देखिए बिल्कुल एकदम थिक जेली बन गई है इससे। देखिए इस तरीके से 5-7 मिनट में बिल्कुल थिक जेली तैयार हो जाती है। देखिए 1.5 चम्मच में हमारा पूरा 100 ml थिक जेली तैयार हो गई है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और ये हमारा गोंद पतीरा फूल के देखिए एकदम गाढ़ा हो गया है। देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है ये। इसे भी रख देते हैं। ये मैंने 100 ग्राम दही ली है, फ्रेश दही लेंगे। और इसमें मैं 2 टेबल स्पून गोंद पतीरा भीगा हुआ ऐड करेंगे और 5 टेबल स्पून भीगे हुए चिया सीड्स की जेली। दही वाला बनाने से हमारा वजन घटाने में बहुत सहायता मिलती है। 1/2 चम्मच सेंधा नमक या स्वाद अनुसार, 1/3 चम्मच भुना जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, सिर्फ इतना ही डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खाने में भी स्वादिष्ट लगता है और अच्छे से मिक्स करके ये हमारा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैंने इसमें 6 रेसिपी तैयार की हैं। आप चाहें तो दिन बदल बदल के अलग अलग खा सकते हैं, जिससे एक ही रेसिपी डेली नहीं खानी पड़े। दूसरे नंबर पर बनाई है मैंने मिल्क की। तो मैंने दूध को 100 ग्राम दूध को उबाल के ठंडा कर लिया है और इसमें वही 2 चम्मच सोक्ड भीगा हुआ गोंद पतीरा और 5 चम्मच भीगी हुई चिया सीड्स। पूरी जेली डाल देंगे, मेरी आधी जेली बच गई थी। और 1 चम्मच इसमें हनी का डालेंगे। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो हनी मत डालिए, ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गोंद पतीरा का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, जिसमें भी मिला दोगे उसी के टेस्ट में तैयार हो जाता है और खीर के जैसा अच्छा लगता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद ये खाने के लिए रेडी है। तीसरी, ये मैंने 2 चम्मच भीगा हुआ गोंद पतीरा लिया है और वही 5 चम्मच भीगी हुई चिया सीड्स की जेली। और इसमें हम 1 चम्मच हनी ऐड करेंगे और हनी ऐड करने के बाद 2 चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे, या आप मीडियम साइज का एक नींबू निचोड़ सकते हैं। नींबू के बीज पहले साइड निकाल के रख दीजिए, क्योंकि इसमें बीज नहीं आने चाहिए। नींबू का रस निचोड़ने के बाद अच्छे से निकाल लेंगे और इसमें 200 ml सादा पानी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको,
ठंडा पानी यूज नहीं करेंगे ना ही गर्म पानी यूज करेंगे। नॉर्मल वाटर जैसा टिप में आता है ये भी तैयार है। अब ये हमारी चौथी डिश, ये मैंने 200 ml छाछ ली है या दही को बिलो लीजिए, और 2 चम्मच भीगा हुआ गोंद का तीरा, 5 चम्मच भीगी हुई चिया सीड्स और सेंधा नमक स्वादानुसार, 1/3 चम्मच जीरा पाउडर और 1/3 चम्मच काली मिर्च पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है ये, और अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारा पीने के लिए तैयार है। अगली डिश, 2 चम्मच भीगा हुआ गोंद का तीरा, 5 चम्मच भीगी हुई चिया सीड्स की जेली और 200 ml मैंने इसमें बेल पत्र का जूस लिया है जिसमें शुगर नहीं डाली है। बेल पत्र की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उसमें मैंने शुगर डाल रखा है लेकिन इसमें आप शुगर नहीं डालेंगे अगर वेट लॉस के लिए गोंद का तीरा खा रहे हैं तो। अगर वेट लॉस के लिए नहीं खा रहे तो आप शुगर वाला डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, ये भी हमारा तैयार है। देखिए एकदम रेडी। दूसरी रेसिपी, वही 2 चम्मच गोंद का तीरा लेंगे भीगा हुआ, 5 टेबलस्पून चिया सीड्स की जेली भीगी हुई और 200 ml मैंगो शेक लेंगे। मैंगो शेक भी हम आइस नहीं डालेंगे और शुगर नहीं डालेंगे उसमें भी। मैंगो शेक की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वो भी विदाउट शुगर। थोड़े से मैंगो के कट पीस डालेंगे टेस्ट के लिए, अच्छे से मिक्स करेंगे और ये भी खाने के लिए रेडी है। तो ये हो गई हमारी गोंद कतीरा की 6 रेसिपी। गोंद कतीरा की रेसिपी घर पर बनाइए, गर्मी से राहत पाइए। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।